एक्सीडेंट हुआ। ऑल राइट, सो वेलकम टू एवरीबॉडी, लुक एट माय फेस, सुपर सरफराज, दिस इज माय न्यू वीडियो। ओके, तो हैदराबाद में फार्मूला ई कार रेसिंग का सेटअप किया है केटीआर ने, तो मैं वहीं पर जा रहा हूँ, वहीं पर जाके अपना ब्लॉग कंप्लीट करूंगा। और ये ब्लॉग बहुत ही छोटा होने वाला है, और नवंबर 19 और नवंबर 20 को यहाँ पर टेस्ट ड्राइव चल रहा है, यहाँ पर ई फार्मूला कार रेसिंग का। तो फाइनल रेस तो 10 फरवरी को है, तो उस टाइम पे मैं बहुत बड़ी वीडियो बनाऊंगा और अच्छे से सेटअप करके अपना ब्लॉग कंप्लीट करूंगा। ये ब्लॉग तो मैं एक फार्मूले के लिए छोटा सा वीडियो बना रहा हूँ, तो आप लोग भी इस वीडियो में जुड़े रहना, आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। और बहुत जल्द मेरा बहुत ही अच्छा एक रैप सॉन्ग आने वाला है, उसके पीछे मैं बहुत ही मेहनत कर रहा हूँ। ओके, तो वहीं पर चलते हैं डायरेक्ट से, अभी टाइम भी बहुत कम है तो हमको जल्दी पहुंचना पड़ेगा, तो मैं वहीं पर जाके आपसे मिलता हूँ। ओके, क्या बताऊं भाई, यहाँ पर सामने देख रहे हो, यहाँ पर लुबनी पार्क है जो आज के दिन क्लोज है, तो आप लोग देख रहे हो कितना जा रहा है। आई थिंक वो लास्ट बंदा होगा, बहुत ही फिर से गाड़ी जा रही है। हर एक मिनट के अंदर ही यहाँ पर पूरा जो राउंड ट्रिप है पूरा कंप्लीट होता है, एक मिनट के अंदर ही आपको फिर से गाड़ी वापस से आता है यहाँ पर। बहुत तेजी से गाड़ी जा रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, गुड फील हो रहा है, तो आप लोग भी एंजॉय करना, अच्छा आपको भी बहुत अच्छा मजा आएगा। ओके, तो भाई क्या बोलना चाह रहे हो? बहुत अच्छा है, देखते हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, फुल मजा आ रहा है, फुल मजा आ रहा है। ये मुझे वीडियो क्लिप के लिए करीब से चाहिए था, हाँ शायद एक्सीडेंट हुआ सकता है वहाँ पर, पता नहीं, बट ओके। तो मैंने रूल्स तोड़ा है, यहाँ से उस पार होके छोटी सी वीडियो क्लिप बनाई है, तो मैं फर्स्ट सॉरी कहूँगा यार, मुझे नहीं करना चाहिए था, बट मुझे एक छोटी सी क्लिप चाहिए था, वीडियो क्लिप जो कि करीब से हो, तो मैंने इसको पार करके वीडियो बना। देखना फिर से गाड़ियों का राउंड वापस से आया है, तो देखना आप लोग भी गाड़ी वापस से आ रही है। ओके एवरीबॉडी, तो थैंक यू केटीआर सर, आपने हमें यहाँ पर हैदराबाद में कुछ नया दिखाया है और हमें नया देखने को मिला है, मुझे बहुत अच्छा भी लगा है यहाँ पर आके, हाँ बहुत अच्छा सा गुड फील हो रहा है। तो आप लोग को भी मैं आगे चल के बताऊंगा कि यहाँ पर कितना अच्छे से कार रेस का सेटअप किया है, और यहाँ पर फेंसिंग देख सकते हो, यहाँ पर पूरी फेंसिंग की है, तो देख सकते हो आप लोग। फिर से राउंड लगा कर गाड़ी फिर से वापस आ रहे हैं यहाँ पर कार साहब, अच्छा फील हो रहा है, गुड फील हो रहा है, क्योंकि मैं लोकल से हूँ और फर्स्ट टाइम पे मैं ऐसी कार रेस देख रहा हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, गुड फील हो रहा है। तो देखना मैं आगे जा रहा हूँ, भी आगे चल के भी आपको दिखाऊंगा ऐसे ही ट्रैक को। और यहाँ पर जो फेंसिंग देख रहे हो, पूरी फेंसिंग किया है, पूरा जितना भी रेस ट्रैक है पूरा रेस ट्रैक पे फेंसिंग किया है, तो आप लोग फेंसिंग को भी देख सकते हो इसे।
ओके एवरीबॉडी, ये जो आप रेस ट्रैक देख रहे हो यहाँ हैदराबाद में, मैं भी फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, फर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरा इस रेस ट्रैक का। तो यहाँ के जो सीएम है केसीआर, उनके बेटे जो केटीआर है, उन्होंने यहाँ पर इसको लाया है, उन्होंने ही लॉन्च कराया हैदराबाद में। तो हमें भी बहुत अच्छा फील हो रहा है, हम भी लोकल से हैं, तो यहाँ पर देख के मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, गुड फील हो रहा है। तो मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा है, ये फर्स्ट है जो फर्स्ट ऐसा दिखा कि हैदराबाद में मुझे देखने को मिला कि इतना अच्छा रेस ट्रैक मुझे, और मेरी लाइफ का ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है ये जो देख रहा हूँ मैं, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, तो अभी देखना है यहाँ से बहुत तेज़ी से, यहाँ से बहुत अच्छे से इस ट्रैक पे कारें दौड़ेंगे, तो आप लोग भी देखना, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको, बहुत ही अच्छा फील होगा। ओके एवरीबॉडी, तो हमें बहुत अच्छा लगा है, और यहाँ पर जो बिल्डिंग दिख रहे हैं आप लोग, बहुत ही बड़ा यहाँ पर दिख रहा है जो आप लोग को, यहाँ का तेलंगाना का सीक्रेटेड बहुत ही बड़ा एक बिल्डिंग बन रहा है। तो आप लोग भी देख सकते हो इस बिल्डिंग को, बहुत जल्द कंप्लीट होने वाला है, परमिशन नहीं है। जिस बिल्डिंग के बारे में, सीक्रेटेड बिल्डिंग के बारे में मैं बता रहा था, वो बिल्डिंग की वीडियो लेने मुझे नहीं दिया गया है, क्योंकि वहाँ पर अलाउ नहीं है, अभी परमिशन नहीं दिया है वीडियो बनाने के लिए, तो मैं वहाँ पर स्टॉप कर दिया हूँ उसको, मैं उसके आगे कुछ बताना नहीं चाहता हूँ। ओके, तो मैं भी यहाँ से निकल रहा हूँ, मुझे भी बहुत अच्छा फील हुआ, गुड फील हुआ। केटीआर साहब ने यहाँ की जो पब्लिक है, जितनी भी पब्लिक है यहाँ हैदराबाद से, लोकल से, बहुत दूर दूर से भी इस रेस को देखने के लिए आए हैं लोग यहाँ पर, तो उनको, बहुत सारे लोगों को केटीआर साहब ने बहुत ही अच्छे से इंटरटेनमेंट किया है, मुझे भी इंटरटेनमेंट किया है, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा, गुड फील हुआ। मैं भी फिर से एक बार बता रहा हूँ आपको, फर्स्ट टाइम मैंने ऐसी रेस को देखा है, मुझे बहुत ही अच्छा फील हुआ है, गुड फील हुआ है।